नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। समय व्यतीत करने के लिए ताश खेलना हो सकता है अच्छी बात हो, लेकिन पैसों से खेलना यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और हम भी यह नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग ताश खेल रहे हैं वे पैसों से खेल रहे हैं। यह भी लोग सब समय व्यतीत करने के लिए ताश खेल रहे हैं, लेकिन आप सभी लोगों ने यह देखा होगा कि जब भी आम व्यक्ति कहीं पर भी ताश खेलता हुआ नजर आ जाता है या मोबाइल में लूडो खेलता हुआ नजर आ जाता है, तो तैनात पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचते हैं, उन सभी को अपने वाहन में बैठाते हैं और थाने लेकर चले जाते हैं और उसके पश्चात उन पर संबंधित 151 या अन्य कोई धारा में केस लगाते हुए उन्हें जमानत पर रिहा भी कर देते हैं। लेकिन ये सब लोग ऐसी जगह पर ताश खेल रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक गलत साबित हो सकता है। ये सब लोग जिला कलेक्ट्री परिसर में ताश खेलने का काम कर रहे हैं और ताश खेलते हुए अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। इस परिसर के अंदर आप सभी जानते हैं कि जिला कलेक्ट्री परिसर के अंदर पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला कलेक्टर महोदय, आईजी महोदय, अतिरिक्त जिला कलेक्टर के साथ ही शहर भर को अपने दिशा निर्देशों के अनुरूप चलाने वाले सभी आला जिला प्रशासन अधिकारी यहां पर विराजित रहते हैं। हालांकि यह जो लोग खाकी वर्दी धारी नजर आ रहे हैं, जो ताश खेलने का काम कर रहे हैं, यहां पर स्पेशल जाब्ता के तौर पर बुलाया जाता है। जब भी शहर में कोई ऐसा सूचना होती है जिसके तहत शहर की शांति व्यवस्था को चाकचौबंद करना होता है, उसके लिए बुलाया जाता है। ये सब वह पहरी है और उसी के तहत जब तक कोई सूचना न आए, ये सब लोग जिला कलेक्ट्री परिसर में किसी न किसी काम के तहत या तो गाड़ियों में बैठे रहते हैं या फिर किसी भी जगह चाकचौबंद होकर बैठे रहते हैं। ऐसे में समय व्यतीत करने के लिए लोग यहाँ पर फ्री टाइम में बोरियत को दूर करने के लिए ताश खेल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं या सही कह रहे हैं, लेकिन जिला कलेक्ट्री परिसर के अंदर जहां पर इस तरह के नज़ारे आते हैं, वे आम तौर पर लोग एक खराब छवि लेकर जाते हैं, जहां पर कहीं ना कहीं पुलिस की खाकी वर्दी की भी छवि खराब होती है। क्योंकि कई बार वे लोग भी यहाँ पर आते हैं जो बाजारों में बैठ कर टाइम पास करने के लिए ऐसे ही ताश खेल रहे होते हैं और उन्हें ताश खेलता देख संबंधित थाने से तैनात पुलिसकर्मी उन्हें वहां से प्रशासनिक नियमों की बात बताते हुए थाने ले जाते हैं और फिर होता है वही कार्यक्रम जो उनके मस्तिष्क में चल रहा होता है। किसी प्रकार की कोई रिबेट नहीं होती है, चाहे वे लाख गुहार लगा के कह दे कि हम पैसों से नहीं खेल रहे थे, हम केवल टाइम पास करके खेल रहे थे, लेकिन लगती है कोई धारा और उन्हें कलेक्ट्री में पेश किया जाता है या कोर्ट में और जमानत पर रिहा किया जाता है। आज तो विशेष कुछ था क्या? आज तो लेके आए थे आ रहा था धरना बनाने के लिए बहुत ये बात ये हो रही है कि छोटा सा मोबाइल में लूडो खेले तो बापड़े को पकड़ के लेके चले जाते हैं और हम बिल्कुल पत्ते खेल रहे, वो तो गलत है ना है? है।